टीनू आनंद और अमिताभ बच्चन बहुत लंबे अरसे से एक दूसरे के दोस्त रहे हैं और अमिताभ बच्चन को पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी में भी रोल उनके दोस्त टीनू आनंद की वजह से ही मिला था। हुआ यूं कि टीनू की एक फ्रेंड मीना उनसे मिलने बॉम्बे आई हुई थी। यही वो दौर था जब फिल्म सात हिंदुस्तानी की कास्टिंग चल रही थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे के.ए. अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास। बातों ही बातों में टीनू ने मीना से पूछा कि क्या वो फिल्म में काम करना पसंद करेगी। मीना ने हामी भर दी। कुछ दिनों के बाद मीना ने एक फोटो दिखाते हुए टीनू से कहा कि ये दोस्त है, इसका नाम अमिताभ है, फिल्मों में ट्राई कर रहा है, देखो अगर इस फिल्म में इसके लिए कोई रोल हो तो। वो जानती थी कि टीनू और अब्बास साहब के अच्छे रिलेशन हैं। टीनू ने एक लंबे पतले और अलग लुक्स वाले अमिताभ को देखा, अजीब लगे, मगर उन्हें मीना को फेवर करते हुए अमिताभ की पिक्चर को दे दिया अब्बास साहब को। फोटो देखने के बाद अब्बास साहब का यह रिएक्शन था कि ठीक है, मगर फिलहाल तो अभी कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है। इसी फिल्म में टीनू भी एक रोल कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद अचानक फिल्म शुरू होने से बस कुछ पहले ही टीनू को कलकत्ता से बुलावा आया। ये बुलावा था लेजेंडरी डायरेक्टर सत्यजीत रे का। इस बुलावे को वो रिफ्यूज नहीं कर पाए और उन्हें सत्यजीत रे को असिस्ट करने के लिए कलकत्ता जाना पड़ा। टीनू के जाने पर अब्बास साहब को सडनली आ गई इस छरहरे लंबे नौजवान की, जिसका नाम था अमिताभ बच्चन। के.ए. अब्बास ने अमिताभ बच्चन को बुलाया, ऑडिशन लिया, इंटरव्यू किया और सात हिंदुस्तानी फिल्म में एक रोल के लिए साइन कर लिया। ये रोल पहले टीनू आनंद करने वाले थे। इसके बाद तो क्या बोलूं, रेस्ट इज हिस्ट्री। वापस आकर बात करेंगे अनारकली और ताजमहल जैसी फिल्मों में काम करने वाली खूबसूरत अदाकारा हीरोइन बीना रॉय की। किस तरह तय किया उन्होंने फिल्मी पर्दे तक का अपना सफर, बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।